और एक लड़का है जिसने अभी सुबह के नाश्ते में ये चीज खाई थी, तो बार बार लिख रहा है। दिखाओ वो लड़का कौन है, रुको। हाँ ये रहा, रुको। सुबह सुबह नाश्ते में इस लड़के ने, ये जतिन भड़ान ये लड़का है जिसने नाश्ते में सुबह सुबह ये खाया था। बेटा तुम्हारे घर पे इतना अच्छा नाश्ता बनता है, सिर्फ धरती पे तुम्हारे घर पे बन सकता है, तुम ही हक रखते हो इसका। तो जतिन भड़ान के लिए ताली बजाओ एक बार, अमेजिंग लड़का है। मतलब जो जिस तरह का बेटा, एक बार अपने पापा को और मम्मी को भी ये सेशन दिखाना प्लीज, और बताना कि सुबह जो आपने नाश्ते में खिलाया था वो मैंने लिख दिया चैट सेक्शन में। और फिर मैंने सारी दुनिया को बता दिया कि ये चीज़ हम खाते हैं घर पे। ओह माय गॉड, ताली बजाओ इसको, क्या शिक्षा दी है और कितने अच्छे इसके पापा मम्मी। जतिन अपने पापा को बधाई देना, और थोड़ी बहुत शर्म ये भी करना कि साईं बाबा की फोटो लगा रखी है और क्या क्या लिख रहे हो, थोड़ी बहुत शर्म है। या वो भी बेच खाई होता है कभी कभार, जब घर पे अच्छे संस्कार नहीं मिलते ना तो ऐसा ही होता है, बड़ी बात नहीं है कोई। ये दिखाता है कि जतिन के घर पे क्या सिखाया जाता है ना, क्या दिया जाता है, क्या परोसा जाता है। यही बाबा की फोटो लगाएंगे, मतलब ऐसे दोगले लोग होते हैं, दिस इज कॉल्ड अ दोगला काइंड ऑफ पीपल। और इनको एक्सपोज करना चाहिए ऐसे लोगों को स्पेशली। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम चैट में आके जो लिख रहे हो, वो तुमको दिखाता है कि तुम्हारा तुम क्या हो। तो सोचो ये जतिन बड़ान क्या है, और तुझे शर्म आनी चाहिए, सच बताता हूँ। तेरे जैसे लोगों को ना सच में तुम लायक ही नहीं हो, उसके इज्जत के भी लायक नहीं हो। और शर्म तुम्हें ये आनी चाहिए कि तुम यहाँ पर ये चीज़ लिख के साईं बाबा की फोटो लगा रहे हो। तुमसे बड़ा दोगला आदमी जिंदगी में नहीं देखा मैंने। अपने पापा को बोलना कि मैंने ना अरविंद अरोड़ा सर के सेशन में ना नाम रोशन किया था ऐसे आपका, एक बार दिखाना उनको जतिन बड़ान। और थोड़ी बहुत शर्म किया करो कि तुम क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या मिल जाएगा, मानसिक शांति मिलती है। अरे मानसिक शांति मिलती है तो तू अपनी फोटो तो लगा कम से कम, थोड़ी तो शर्म कर। एक तो तू यहाँ पे लिख रहा है, मेरे से गाली खा रहा है, ऊपर से भगवान से पाप और ले रहा है। और ये जो पाप लगेगा ना बेटा, जिंदगी भर तू पछताएगा। मुझे पता है दुख इस बात का हुआ, मैं इसको क्यों बोल रहा हूँ मेरे को पता नहीं, बट मेरे को बहुत दुख हुआ। तुझे शर्म आनी चाहिए, तू अभी साईं बाबा की फोटो हटा, तुझे तेरे परिवार को और तुझे स्पेशली शर्म आनी चाहिए ये काम करते हुए। तो अभी के अभी साईं बाबा की फोटो हटा। और तुझे पता है कि साईं बाबा कौन थे, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें शर्म आती थोड़ी बहुत भी। अगर तुम्हारी इतनी औकात है, तुम दो कोड़ी के औकात के भी नहीं हो, तुम्हारा तू और तू सभी समझ ले, तू अब जो भी समझना चाहता है। पब्लिक सेशन बोलना नहीं चाहता हूँ, पर तेरी औकात दो कोड़ी के भी नहीं है जो मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन ये साईं बाबा की फोटो उठाता, नहीं मैं मेरे सामने तो होता ना, इतने झापड़ मारता ना तेरी पैंट में सूसू निकल जाता, सच बता रहा हूँ, इतने झापड़ मारता मैं। तेरे बाप ने तेरे को मारा नहीं है, और तेरी तू ऐसा कर रहा है, मेरे सामने होता ना और ये हरकत तू करता, इतने झापड़ मारता ना तेरे में, बेवकूफ बेटा। अभी तूने देखा नहीं है, जिस दिन गुस्सा आ गया ना, धैर्य दबा दब चैट पड़ेगी। औकात क्या है तुम्हारी, दो कोड़ी के औकात नहीं है। तुम साईं बाबा फोटो लगा के ऐसे हटा अभी के अभी, और तो अगली बार दिख गया ना यहाँ पे झापड़ दूंगा, ध्यान रखना बेवकूफ। पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ जाते हैं, शर्म भरम है। तेरे बाप को बताइयो जाके, और तुम जैसे व्यवहार करोगे ना वैसे ही सुनोगे। तू ये मत समझना कि ऑनलाइन में हम बैठे हैं, कुछ भी चैट में लिखते हैं, कौन बोलने वाला है। कसम से कह रहा हूँ, ऐसा लताड़ लगाऊंगा ना, देखता फिरेगा बेवकूफ। अरे ऐसे दोगले लोग होते हैं, इनको घर पे ये सिखाया जाता है, इधर साईं बाबा की फोटो लगाओ, उधर गंदा गंदा लिखो, शर्म आती थोड़ी बहुत भी। भग यहां से, चल निकल, बहुत हो गया तेरा, भग, दोबारा दिखना मत यहाँ पे। ये क्या बोले इनको, क्या बोले। अरे जब तुम्हें गंदा गंदा लिखना है तो अपनी फोटो तो लगाओ, ताकि तुम जो लिख रहे हो तुम्हारी शक्ल पे जाए। तुम इतने घटिया हो, तुम अपनी इतनी औकात रखो, अपनी फोटो लगाओ। चलो यार, इग्नोर मैं कर देता यार, सच में कह रहा हूं, इग्नोर कर देता। लेकिन ये साईं बाबा की फोटो लगा के ऐसा कर रहा है, शर्म है थोड़ी बहुत, सच बता रहा हूं। तुम एक चिट्टी के बाल भी नहीं हो जिसकी फोटो लगा के बैठे हो, औकात तुम्हारी दो कोड़ी की नहीं है, काम तुम्हारे ऐसे हैं। फिर कहते हो तुम सुनने सुनाई को मिलता है,